खरगोन एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। आगामी आने वाले त्योहार जैसे मोहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर मार्च किया गया है और इस दौरान एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के साथ एएसपी डॉक्टर नीरज चौरसिया सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहा मोहन टॉकीज तालाब चौक होते हुए फ्लैग मार्च पुलिस थाने पहुंचा। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यदि कोई भी असामाजिक तत्व शरारत करता पाया गया तो उसके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सभी से पुलिस का निवेदन है कि अपने त्योहारों को बेहद सादगी के साथ मनाएं, कानून व्यवस्था का पालन अवश्य करें। फ्लैग मार्च भी निकाला सर, क्या संदेश है जनता? देखिए, ये पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी लोगों को संदेश देना लेने का एक प्रयास किया गया था फ्लैग मार्च के द्वारा, कि लोग आने वाले समय में अपने परिवार के साथ सुरक्षित माहौल में त्यौहार मनाएं। उसी के तारतम्य में पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो पुलिस का बल है, करीब 150 लोगों का बल था इसमें, और SDM साहब, ADM साहब, ये सब लोग भी साथ में मौजूद थे। सबके द्वारा पूरे शहर के जो विभिन्न संवेदनशील क्षेत्र थे या मुख्य जो हमारे त्यौहार और जुलूस के जो मार्ग रहते हैं जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों का एक भ्रमण किया गया था और उसमें जो सभी अच्छे लोग हैं उनको ये संदेशा दिया गया है कि वो अच्छे से त्यौहार मना सकते हैं, और जो कहीं बदमाश या फितरती व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी संदेशा है कि यदि वो इस प्रकार की कोई गड़बड़ी करने का सोचते हैं तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध जो है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह सर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सर आगामी त्यौहार जो आ रहे हैं? आगामी त्यौहार में जो विभिन्न हमारे त्यौहार मनाने का जो है उसके विषय में शांति समिति वगैरह की मीटिंग ली गई है और त्यौहारों के जानकारियां जो पूर्व से हमारे पास प्राप्त हैं विभिन्न उनके द्वारा जो आयोजित किए जाएंगे तो उनकी पूरी व्यवस्था लगाई जाएगी। पूरा बल हमारा विभिन्न संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेगा, इसके साथ साथ जहाँ आवश्यकता रहेगी वहाँ ड्रोन वगैरह की भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। कहीं जुलूस निकलने का भी इस तरह की कहीं कोई अनुमति नहीं है, लेकिन यदि कहीं कुछ ऐसा होता है तो उसकी भी प्रॉपर निगरानी पुलिस के माध्यम से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।